हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग अपने चेहरे पे क्या नहीं लगाते हैं टाइम टू टाइम, बहुत चीज़ें सुबह से लेके शाम तक हमारी चेहरे कितना कुछ झेलती है, कितना कुछ हम लोग लगाते हैं, मॉइस्चराइजर, सीरम, प्राइमर वगैरह, और कितना चीज़ें लगाती है। लेकिन आपको पता है, हर चीज़ का एक समय होता है, और उस समय को टाइम पे वो चीज़ें लगाने से वो चीज़ें सही फ़ायदा देती है। इसलिए हमें कोई भी चीज़ चेहरे पे जो भी आपको लगाना हो तो वो सही समय पे ही आप लगाएं। उसके बाद ये चीज़ें आप बिल्कुल कोई भी क्रीम लगाते समय एकदम ध्यान रखें कि जिस समय जिस टाइम जो चीज़ की ज़रूरत हो, क्योंकि जैसे हमको सुबह में लंच करना हो, सॉरी सुबह में नाश्ता करना होता है, तो हम सुबह में नाश्ता ही तो करेंगे, डिनर तो नहीं करेंगे ना। वही चीज़ें जैसे जैसे चीज़ें शरीर को जिस चीज़ों की ज़रूरत है जिस समय, उसी तरह हमारे स्किन भी है। इसलिए आज मैं आपको मॉर्निंग का कुछ ऐसी आदतें बताऊँगी, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको मॉर्निंग में इस्तेमाल करने से वो ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। क्योंकि देखिए, नाइट में तो हम कुछ ना कुछ अपने फेस पर लगाते ही हैं, और लगा के जब सोते हैं तो सुबह में एक नेचुरली ऑयल निकलता है फेस से, तो हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं फटाक से फेस वॉश करके उसको निकाल देते हैं। ये हम लोग का पहला एम होता है कि सुबह उठना है तो फेस वॉश करना है और ऐसे निकाल देना। ये सबसे बड़ी गलती है, वो ऑयल को आपको नहीं निकालना चाहिए। मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको बताया, आपको सुबह उठ के आपको ना गर्म ना ठंडा, बिल्कुल रूम टेम्परेचर वाले पानी से अपने चेहरे को धोना चाहिए। अगर ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा है तो आप ठंडे पानी से धोएंगे, लेकिन अदरवाइज आपकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल है तो आप नॉर्मल टेम्परेचर रूम वाटर से आप अपना चेहरे को धोना चाहिए आपको। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक नुस्खा की तरह काम करता है आपके स्किन को। उसके बाद सिर्फ अंदर से ऊपर से ही नहीं, आपको अंदर से भी पानी पी के चेहरे को हाइड्रेट करना चाहिए मॉर्निंग में। ये सलाह है, मैंने बस स्किन से रिलेटेड बता रही हूँ तो दे दिया, लेती हूँ वैसे ये बताना मेरा काम भी है कि आप नींबू पानी पियो, क्योंकि मुझे नहीं लगता इन सब चीज़ों से कुछ होता है, मैं तो कर करके थक गई हूँ। लेकिन चलिए, ये सब बातें रहने देते हैं, स्किन की बातें करते हैं। उसके बाद आपको जो भी ड्रिंक पीना है, नॉर्मल वाटर पियो, सबसे अच्छा वार्म पियो, ठंडा पियो, जब हो नॉर्मल वाटर पियो आप पी लो। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी फेस पैक जो होता है मुल्तानी मिट्टी से रिलेटेड, वो आपको मॉर्निंग में ही लगाना चाहिए। मॉर्निंग में ही ये चीज़ें आप यूज करेंगे तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बेनिफिट्स देंगे आपके स्किन को। इसलिए मुल्तानी मिट्टी का जो भी पैक लगाओ, मैंने इसमें एक दो वीडियो में शायद और भी आप लोगों को बताया है कि कभी भी आपको मुल्तानी मिट्टी यूज करना है तो वो आप मॉर्निंग के टाइम करो, वो बहुत अच्छा बेनिफिट देता है। दूसरा, आप मॉर्निंग में हमेशा दही या बेसन से फेस वॉश करो। आप एक आदत बना लो कि थोड़ी सी दही लो और फेस, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल है ना, तो मैं आपको एक रेमेडी बताती हूँ। कुछ नहीं, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आप लोगों को, जैसे पता है कि मैं आप लोगों को सिंपल से सिंपल रेमेडी बताऊँ। आप सबसे पहले मॉर्निंग समय तो सबके घर में दूध रहता है, फ्रिज का दूध लो आप, ज़रूरी नहीं कि कच्चा ही हो, लो चेहरे पे लगा लें, लगा के हल्का हल्का मसाज कर लीजिए। उसके बाद वो सूखना नहीं है, बस मसाज हो गया, उसके ऊपर दही लीजिए, थोड़ा सा लगा लीजिए, थोड़ा हनी लीजिए, थोड़ा सा लगा लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद उसके ऊपर आप मुल्तानी मिट्टी का पैक लगा के देखो, कितना बेहतरीन रिजल्ट देगा। ये कुछ चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो आपके स्किन पे बिल्कुल जादू के तरह काम करती है, और आपकी स्किन को समय के साथ बहुत ज़्यादा ग्लोइंग, बहुत ज़्यादा यूथफुल बना देती है, अगर आप लॉन्ग टाइम तक इसे यूज करते हो तो। क्योंकि होम रेमेडी में बहुत बड़ा जादू बोला गया है, और सच में ये होता भी है फ्रेंड्स। अगर आप मेरा ये वीडियोस आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, सबके साथ शेयर करें, फर्स्ट टाइम आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।